what I'm going through, because it's releasing. And I think for any filmmaker, aapki film release hona by itself is an achievement, and I've been blessed. God has been kind. People have been kind. The audience has been kind. So I just feel good. That's all I can say. I want you all to watch the movie. It's a complete family entertainer. आप अपने 5 साल के बच्चे के साथ देख सकते हो, आप अपनी बहन के साथ देख सकते हो, and you will have everything in it. A sports drama, मामा भांजे की प्रेम कहानी है. So enjoy the film and then you can tell how you like it. Thank you. ये ऐसा लग रहा है कि बेटी जो है बहुत सालों से पाल पोस के बड़ी की आज उसका विदाई हो रही है. तो आप सोचो जब बेटी की विदाई होती है तो कितनी खुशी होती है. आज बेटी हमारी जवान होकर जो है विदा हो रही है घर से, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है. सालों की मेहनत जो है वो आज रंग लाई है. वी आर वेरी हैप्पी. तो लोगों को देखने में मजा आता है, मुझे ऐसा लगता है. और आज के टाइम में ऐसी फिल्म बनना बहुत जरूरी है जिसमें हमें नॉट जस्ट फिल्म बट आई थिंक हमें नॉलेज भी पता, हमें कुछ पता चलता है, हम कुछ लेकर जाते हैं अपने साथ फिल्म में जब हम देखते हैं. तो जिसका पार्ट सृष्टि है एंड शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन एंड पूरी टीम ने आई एम वेरी श्योर बहुत मेहनत की, क्योंकि फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइज. सो विश यू ऑल द गुड लक. एंड धीरे धीरे हम टेलीविजन से फिल्म्स में आ रहे हैं अभी. आई थिंक टेलीविजन एंड फिल्म का जो एक ब्रिज था वो कहीं ना कहीं फिल हो रहा है. एक्जेक्टली, व्हिच इज वेरी मुझे नहीं लगता, मुझे टेलीविजन, मुझे लगता है, थैंक यू, मुझे लगता है मुझे टेलीविजन से फिल्म में जाने की जरूरत नहीं है. मुझे सिर्फ एक ऐसा ब्रिज, मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए जो दोनों को मर्ज करे. आई थिंक वही हो रहा है आजकल. आई थिंक ऑल एंड आई फील दैट टेलीविजन का हर एक्टर बहुत कमाल करता है और बहुत धमाल कर चुके हैं लोग अपने यू नो अपने टाइम पे, और अब इनका टाइम है. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट. सो फर्स्टली आई हैव सीन द ट्रेलर एंड आई हैव सीन द फिल्म, आई हैव सीन एवरी बिट ऑफ द मूवी जब से शुरू हुआ है और जब से रिलीज की बात भी चल रही है. आई थिंक आई वॉच एवरी बिट ऑफ इट. द फिल्म ऑफकोर्स एवरी वन नोज इज ऑन काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन, जो आई थिंक हम ट्राई कर रहे कि ये मूवी के बाद और अवेयर हुए. It's not, of course, it's a festival which we celebrate once a year, but it's a sport and I hope that iske baad isko ek aur disciplined sport ke tarah hum khele. It's a movie which is you can watch with every age group. It's a full dhamal filmy movie, a 2 hours of entertainment, pure entertainment. Ab jab bahar aayenge you'll have a smile on your face. Jaise Sajid Badi sahab hain, usi tarah main samajhta hu ki in 2 years time he'll be a growing star as a music director. थैंक यू माई डियर, थैंक यू, लव यू मदर, लव यू, थैंक यू सो मच सर. मैं शर्मा जी, कुछ बोलिए आप. सर ऑल द बेस्ट फॉर गगरू गैंग. और सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर जो हमारे दिल अजीज़ उस्मान भाई साहब, जो मेरी फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं डायरेक्ट एक्शन डे के, तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया है. और यहाँ का माहौल देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और बंगड़ा संगड़ा होगा और गगरू गगरू होगा. ऑल द बेस्ट भाई. Thank you very much. All the best to the film and thank the crew and cast of Gabru Gang. Thank you so much. और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये फिल्म में मुझे जो हमारे दोस्त हैं समीर खान जी, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे ये मौका दिया है. मैं समीर खान जी का बहुत बहुत आभारी हूँ. बाकी जो गाना है वो आपको देख कर पता चलेगा. दलेर पाजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इसमें. दलेर पाजी का ये जो गाया है वो एक अलग हटके है. और जो मेरे समीर भाई ने जो इन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है गबरू गैंग में, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ. और दिल गबरू गबरू हो गया, दिल गबरू गबरू. और समीर खान जी ने जो डायरेक्ट की है फिल्म को, ऊपर वाले क्रम से ये सुपर डुपर हिट होगी फिल्म. आमीन आमीन, अल्लाह ने चाहा तो. और कल हमारी फिल्म का दुबई में ये प्रीमियर था, आज बॉम्बे में है. सर दुबई में भी धूम मचाया है, धमाका किया है, और यहाँ पर भी धूम मचा रहे हैं, धमाका कर रहे हैं. शर्मा जी, मेरे भाई, कुछ हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं. आई एम सुपर एक्साइटेड बिकॉज द सब्जेक्ट इज सो डिफरेंट, एकदम
आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम ऐसा सब्जेक्ट आया है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग द फिल्म. और सबसे बेहतरीन बात यह है कि मैंने और आरती ने बहुत सालों पहले एक फिल्म की थी साथ में साउथ की, एंड हम लोग तब से दोस्त हैं. और आज मुझे बहुत खुशी है कि फाइनली उसका ये जो बोलते ना सपना है आज पूरा हो रहा है. एंड गबरू गैंग, आई एम श्योर इट्स सच अ यूनिक स्टोरी, काइट फ्लाइंग के ऊपर है, काइट गैंग के बारे में है. सो आई रियली लुक फॉरवर्ड. इंडस्ट्री के बहुत सारे और भी दोस्त हैं जिनके लिए आज बहुत ही मुबारक दिन है. सृष्टि डेब्यू कर रही है एंड अभिलाष भी फ्रेंड है. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई कंग्रेचुलेट कि ये फिल्म से सभी को बहुत ज़्यादा सक्सेस तरक्की मिले एंड आई लुक फॉरवर्ड टू द स्टोरी. गबरू गैंग, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है, बहुत सारा सब्र लगता है, कितने साल जाते हैं, एंड उसके बाद में जब आपके दोस्तों का कुछ ऐसा निकल के रिलीज होता है तो इट गिव्स यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस. बहुत खुश हूँ मैं आज उनके लिए. ढोल वोल पे नाच रहे थे हम लोग ने, आपने कैप्चर किया कि नहीं? रियल हैप्पीनेस थी वो. गबरू गैंग है ये फिल्म, पहली बार पतंगबाजी पे है और दिल्ली वालों तो खून में है. हर 15 अगस्त पे हमने आईबो करी करी बच्चे लड़ाए हैं, हाथ से कटेगा तो पतंग निकलेगी. और हम ना क्या करते थे, कौन सा पांडे का मंजा आता था, पांडे का मंजा आता था, नॉर्मल सद्दी पे कांच लकड़ी उड़ाते भाई. बहुत बहुत कर रहा है हमने. और ये तो अमृतसर के हैं, अमृतसर की फिल्म, अमृतसर की फिल्म अमृतसर के लोगों के साथ रिलीज हो रही है. ठीक है, देखो यार मैं बहुत 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 खुश हूँ. मेरा भाई इसमें है अभिलाष. अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं, 12 साल के ऊपर हो गए हैं. मेरे छोटे भाई की तरह है. इसको बहुत कुछ सिखाया मैंने, मार तोड़ के सिखाया इसके भी. ये अभी इतना बड़ा हो गया, ये मुझे सिखाता है, ये मुझे करियर एडवाइस देता है. आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम. और जैसे मैं पहले भी कह रहा था, ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर एंड ही इज़ अ वेरी परसेप्टिव एक्टर, ही इज़ अ डायरेक्टर्स एक्टर. और मैं चाहता हूँ ये यार, ये बहुत कम एक्टर्स में ऐसे होता है कि अगर अपना कंटेम्प्रेरी अपने से आगे जाए ना तो उन्हें खुशी हो. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब बचपन. आई थिंक एक्टिंग वाइज इट्स नॉट सो डिफरेंट, बट व्हेन यू सी योरसेल्फ ऑन द बिग स्क्रीन इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट फीलिंग. सो या दैट्स ब्यूटीफुल. थैंक यू, थैंक यू. फाइनली इट्स रिलीजिंग, सो आई एम हैप्पी, एक्साइटेड, लिटिल नर्वस, बट आई एम मोर देन हैप्पी बिकॉज जब आपका एक बहुत दिल से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट बाहर आता है सो यू रियली फील गुड. बिकॉज जो मेहनत रंग लै के आती है तो है ना, दैट्स लाइक अ ब्लेसिंग. सो आई रियली होप कि जितनी मेहनत हमने की है आप लोग भी थोड़ी सी और मेहनत करो. प्लीज़ लीव योर होम्स, कम टू द सिनेमा हाउस, सिनेमा घर. एंड दिस इज वर्ल्ड्स फर्स्ट फिल्म ऑन काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन. सो आई एम डेफिनेटली श्योर दैट यू विल लव दिस फिल्म एंड यू विल लव द कॉन्सेप्ट. थैंक यू. Gabru, the movie is very close to my heart because it's Aarti's movie and it's like family for me. तो मैंने इस फिल्म में बहुत ही हार्ड वर्क देखा है लोगों का और बहुत ही लंबी जर्नी है एंड आई एम श्योर द एंड इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिक. टुडे एवरीबडी इज सो एक्साइटेड के इट्स फाइनली द प्रीमियर. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई एम श्योर द फिल्म इज़ गोइंग टू बी किक एस. मैंने तो इस पर रील भी किया है, बंजा गबरू, उसके गाने बहुत बहुत अच्छे हैं. ऑल द सॉन्ग्स आर फैंटास्टिक. इनफैक्ट अभी जो एक पंजाबी वाला नंबर है वो भी बहुत ही अच्छा है. सो आई थिंक म्यूजिकली ऑल्सो इट्स वेरी गुड. द वे इट्स पिक्चराइज इज एक्सीलेंट. द प्रमोशन राइट नाउ इज माइंड ब्लोइंग. आई थिंक इट्स गोइंग टू कैच फायर. मैं ये कहना चाहूँगा कि समीर खान, जिनको मैं बहुत सालों से जानता हूँ, ये पहले बहुत बड़े बड़े इवेंट्स किया करते थे, पहले से बहुत ही इंटेलिजेंट एंड डेडिकेटेड एंड पंक्चुअल एंड फोकस्ड लाइफ में. आई एम श्योर ये गबरू गैंग, इनकी फिल्म है, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, आगे भी बहुत सारे ड्रीम प्रोजेक्ट होंगे, बट आई एम श्योर दिस इज अ गुड फिल्म टू वॉच. एंड आज के दिन ऐसा लग रहा है कि
कोई भी इंसान सपने देख सकता है और आज का दिन कहीं ना कहीं ये यकीन दिलाता है कि सपने पूरे होते हैं, क्योंकि ये सपना जो देखा था हमने कभी सोचा नहीं था कि ये सपना पूरा होने वाला वालों में से है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से नहीं हूँ, मैं बॉम्बे से नहीं हूँ, मैं एक बहुत छोटे से शहर अमृतसर से आती हूँ और एक हम्बल बैकग्राउंड से हूँ। वहाँ बैठी है, मैंने 15 साल की उम्र से सोचा था कि मैं एक दिन एक्टर के साथ साथ मुझे फिल्में बनानी है। सो 15 साल की उम्र में देखा हुआ सपना आज पूरा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप सबके लिए ये एक इंस्पिरेशन है और मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है कि हम कहीं भी कैसे भी सपने देख सकते हैं, उन पर काम करते रहो और एक ना एक दिन सपने पूरे होते हैं। मुझे आई एम फीलिंग प्राउड फॉर दिस गर्ल, इट्स अल्टीमेट आई एम फीलिंग ग्रेट, वी आर फ्लाइंग लाइक काइट्स राइट नाउ। यस, वी आर फ्लाइंग लाइक काइट्स। बहुत बहुत अच्छा था, बहुत चैलेंजिंग भी था, क्योंकि जो हमने सब्जेक्ट चुना एक नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं था पतंगबाजी के ऊपर फिल्म बनाना, क्योंकि पतंगबाजी का बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं। आप क्रिकेट की फिल्म बनाते हो, फुटबॉल के ऊपर फिल्म बनाते हो, तो लोगों के पास एक बेंचमार्क होता है क्रिकेट कैसा दिखता है, फिल्में कैसे दिखती है। ये मेरा फ्रेंड आया है राजीव, ही इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी। हम पतंगबाजी करते थे और पता नहीं था कि बड़े होकर इस पर एक मूवी करने को मौका मिलेगा, तो बचपन में जो भी पतंगबाजी से सीखा था वो सारा यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया है। सो बहुत ही ऑर्गेनिक लगा है हमारा पतंग उड़ाना, और आई एम श्योर अब आप पिक्चर देखने वाले हैं, थोड़ी देर में हम ऊपर जाने वाले हैं, तो आप लोग देख के बताइएगा कि आपको कैसी लगी मूवी। एक ये स्पोर्ट्स मूवी है, ये वर्ल्ड की फर्स्ट मूवी है विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन काइट फ्लाइंग, सो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए एंड अपना गबरू गैंग पिक्चर बनी हुई है, उसमें म्यूजिक दिया सर ने अपना और म्यूज़िक बहुत बढ़िया है, और मैंने जितने भी अभी तक गाने सुने हैं बहुत बढ़िया हैं, और गबरू गैंग फर्स्ट टाइम पतंग के ऊपर कोई पिक्चर बनी है वो, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग्स एंड वेरी इमोशनल थिंग्स, बहुत अच्छी लव स्टोरी भी है, सब कुछ अच्छा है उसमें, तो प्लीज़ पिक्चर जरूर देखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। Amazing. I'm honestly waiting for the reaction here because कल हमारा प्रीमियर हुआ है दुबई में और हमें बहुत अच्छा रिएक्शन मिला है, so I'm looking forward to what people have to say हमारे मूवी के बारे में यहाँ पर, and I hope they like it. Tell us a little about how it felt acting in the film. How different was it? How interesting? Different. भाई last film थी Kyle once again and he was very fantastic. So, he was really good in that. और हम बहुत टाइम से जानते हैं एक दूसरे को, मेरा बॉम्बे का ये आप कह सकते हैं कि पहला दोस्त है मेरा बॉम्बे में जो बना था और अब भाई है, और के भाई तो अभी जिंदगी भर थैंक यू सो मच। बहुत एक्साइटेड है, ट्रेलर बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हमारे दोस्त मेरे भाई अभिलाष के लिए, हम अभिलाष को सपोर्ट करना है, पूरी टीम को सपोर्ट करना है एंड वी कैन नॉट वेस्ट अवे टू वॉच द फिल्म, बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही है एंड वी वुड रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स टू वॉच दिस फिल्म। इस मूवी को देख के ये फीलिंग आ रही है कि हमारा जो गबरू है अभिलाष बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, उसने बहुत ज़बरदस्त काम किया हुआ है। सारे पूरी से वो एक अपनी जर्नी शुरू करता है, कुछ नहीं होता और वहाँ से वो एक कंपटीशन जीतता है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, तो एक डार्क रेस जो होती है, एक हॉर्स होता है जो डार्क हॉर्स वो जीतता है, तो इट्स एंटरटेनिंग। थैंक यू। बहुत अच्छा, एक तरह से मेरे घर की मूवी है ये और हमने इसका बहुत प्रमोशन भी किया है एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज वॉच द मूवी। जैसे हम कहते हैं नेपोटिज्म इतना बढ़ गया और हम सब उसकी अगेंस्ट बात भी करते हैं कि एक स्टार का बेटा ही स्टार बनता है फिर उसका बेटा स्टार बनता है, तो अगर आप चाहते हैं कि नए लोग आए, नए प्रोडक्शन हाउसेस खुलें और नए लोगों को लोग भी स्टार बने, तो प्लीज़ मूवी देखिए, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा और बिना आपके सपोर्ट से कुछ नहीं होने वाला है। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और काइट की जो काइट फाइट के विषय पर अभी तक कोई मूवी नहीं बनी है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट एंड एवरीबॉडी शुड वॉच द मूवी। एवरीवन, अभी तो हम जाके फिल्म देखेंगे एंड आई एम श्योर सबने अच्छा काम किया होगा क्योंकि इंडिया की फर्स्ट फिल्म है जो काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन पे बनी है, सो रियली एक्साइटेड टू सी क्या बना है एंड पर्सनली वी आर एक्साइटेड फॉर अभिलाष। ओके, बाय।
गबरू गैंग को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं पर्सनली समीर खान और आरती पुरी को जानता हूँ जिन्होंने प्रोड्यूस की और डायरेक्ट की है फिल्म. और काइट फ्लाइंग एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत करीब है बिकॉज आई एम बॉर्न ऑन 14 जनवरी मकर संक्रांति. हम सब पतंग उड़ाते हैं और ये उसी के ऊपर फिल्म है. स्पोर्ट्स के ऊपर है. आई लव स्पोर्ट्स और आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म. मेरा फेवरेट कैरेक्टर द गाय हु इज प्लेइंग द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म बिकॉज उसकी एक जर्नी दिखाई है जहाँ